giving us the platform ke aap logo ke samne aake baat kar pa rahe hain drug free india ki fitness ki you know ek awareness create karne ke liye ek platform taiyar kiya hai humne Himalayan Stallion bahut mushkil ho jata hai jab aap bahut dur rehte ho apne desh se you know traveling from australia is like a pain you need a lot of finances you need a lot of support you need people like you जो लोग ऐसी आपको अपॉर्चुनिटी दें कि आप लोगों को 100, 200, 300, 400 लोग सुन सकें यस पीपल आर फॉलोइंग मी इन यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम लेकिन जो कनेक्शन डेवलप होता है सामने बात करके इट्स डिफरेंट गेम ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि वी हैव टू वर्क फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल हम अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों को अपने यूथ को बात में नहीं ट्रेन कर सकते जब वो स्कूल कॉलेजेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बाहर निकल जाते हैं इट्स वेरी हार्ड ट्रेनिंग अ वर्किंग प्रोफेशनल इज वेरी हार्ड बिकॉज यू ऑलरेडी डूइंग 9 to 5 वर्क आपका बहुत टाइम जो है वो ऑक्यूपाइड रहता है योर फैमिली इज देयर योर गर्लफ्रेंड वाइफ योर चिल्ड्रन तो उसके बाद टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है बट जब आप एक स्टूडेंट हैं यू हैव दैट माइंड टू लर्न मोर तो तभी हम यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं आप सोचेंगे कि व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट ओनली स्टेरॉइड्स या ड्रग्स हम लोग तो बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हम लोग तो जिम नहीं जा रहे मोस्ट ऑफ सम ऑफ यू बट मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई ना कोई आपके नेटवर्क में आपके फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होगा जो जिम जाता हो And I'm 100% sure कि 90% of the gyms are suggesting drugs. आप किसी भी जिम में जाएंगे किसी भी ठीक ठाक से जिम में यू सी द डस्टबिन आपको वहाँ पे सिरिंज आपको वहाँ पे इस तरह के पैकेट्स मिलेंगे जो नहीं होने चाहिए एक जिम में राइट सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इफ यू थिंक कि यू वॉन्ट टू गेट फिट You should always dream high. मतलब जो कोई सोच भी नहीं सकता you should always aim for that. Shoot for the stars. क्यों ऐसा कह रहा हूँ हम कुछ दोस्त बैठे थे planes देख रहे थे तो वहाँ से plane जो है वो airport के बहुत पास है तो planes आपको बहुत नज़दीक दिखाई देते हैं तो one of them said plane को देखते हुए कि यार काश मैं इस plane का pilot होता Just think about the dream what he had. The other person, one of my good friend, he said, काश मैं इस प्लेन का मालिक होता सो सी द डिफरेंस इन द ड्रीम यही चीज हमें डिफ्रेंशिएट करती है एक दूसरे से मतलब आप उस दिन उस प्लेन के मालिक नहीं बन गए लेकिन यू हैड द ड्रीम कि मतलब हाँ यार प्लेन इस एयरलाइन का मैं मालिक भी बन सकता हूँ सो ऑलवेज शूट फॉर स्टार्स मतलब ऐसा क्रेजी सपना रखो अपनी लाइफ में कि यार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा जमीन में ही तो गिरोगे ना और जमीन से नीचे धस थोड़ी जाओगे सो Always, always have a big dream. And do not wait for tomorrow. मतलब कल कभी नहीं आता जो लोग कल थे वो शायद आज नहीं है और शायद पता नहीं कल होंगे कि नहीं होंगे So always work now. Whatever dreams you have, implement it today. अपनी डायरी में नोट करो आज ही इंप्लीमेंट कर दो तो टेक एक्शन मतलब जरूरी नहीं है कि गाड़ी बनानी है गाड़ी खरीदनी है तो आज ही गाड़ी खरीद लेंगे लेकिन गाड़ी खरीदने के लिए वो पहला स्टेप तो आज लिया जा सकता है हम किसी भी गोल में अपने फोकस नहीं कर पाते बीट मसल बिल्डिंग बीट स्टडीज और एनीथिंग तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ कोई भी गोल हम अचीव करना चाहते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद लें मतलब डोंट रिलाई ऑन योर पेरेंट्स डोंट रिलाई ऑन योर कजन और योर फ्रेंड और यू नो कोई दूसरा इंसान जो आप सोचोगे ऐसा कि ये मुझे शायद हेल्प करेगा मेरे गोल तक पहुंचने में कोई हेल्प नहीं करेगा नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू टू बिल्ड मसल नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू टू यू नो बिल्ड योर करियर इट्स ओनली यू द मोमेंट आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले ली ये समझ लिया कि ये मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता तो दैट पुट्स द पावर इन योर हैंड्स और उसके बाद फिर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी जब आप सोओगे भी ना आपके दिमाग में वही चल रहा होगा And she suggested me to do vegetables and fruits in my diet. That was fine. But she suggested me something as a steam therapy along with gym schedule. So my question is that useful and is that good at this age or there is some sort of harm from these therapies? Doctors are basically not nutritionists, first of all. We need to understand that. So they can't actually guide you in terms of what nutrition you should take. Right? And what sort of exercise you should do. क्योंकि वो काम
न्यूट्रिशनिस्ट का है और वो काम आपके पर्सनल ट्रेनर या पर्सनल फिटनेस कोच का है टू डिजाइन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम फॉर यू. यस, डॉक्टर कैन हेल्प यू व्हेन यू हैव इश्यूज लाइक यू नो एनी मेडिकल इश्यू. दे कैन सजेस्ट लिटिल बिट ऑफ न्यूट्रिशन हियर एंड देयर कि ये सब चीज़ें मत करो जब ये मेडिकेशन चल रहा है. बट इन टर्म्स ऑफ फिक्सिंग मेकिंग योर सेल्फ फिट, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक प्रॉपर डाइट प्लान होनी चाहिए आपके पास. ये आउट ऑफ द ब्लू स्टीम बाथ लेना, स्टीम थेरेपी लेना एंड वर्कआउट करना, कोई इससे यू नो कोई मैजिक क्रिएट नहीं होगा. बट एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी जैसे जिमिंग आप कह रहे हैं, यू वांट टू स्टार्ट जिमिंग, यस यू कैन स्टार्ट लिफ्टिंग वेट्स. बट उसका भी एक गाइडलाइन है, यू नीड टू वर्क, यू नीड टू ट्रेन अंडर समवन, एज इन जो आपको राइट एक्सरसाइज साइंस समझा सके, यू नो हाउ टू डू दोज लिफ्ट्स. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, पीपल गो टू द जिम एंड दे गेट इंजर्ड इन विद इन अ वीक और यू नो टू वीक्स. सो दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ. ऑलवेज हायर समवन और आस्क समवन हु कैन टीच यू हाउ टू डू करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजिंग एंड देन आस्क अ न्यूट्रिशनिस्ट और अ फिटनेस कोच हु कैन डिजाइन अ प्लान, न्यूट्रिशन प्लान फॉर यू. सो ये चीज थोड़ी हम लैक करते हैं यहाँ पे, हम सोचते हैं कि जिम के अंदर जाएंगे हमको खुद ब खुद आ जाएगा. All I want to say, stay away from drugs. और इस थिएटर से बाहर, रूम से बाहर निकलने के बाद किसी भी अपने गोल को सीरियसली लेना शुरू कर दे, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. और कोई हेल्प नहीं करेगा, नो बडी कैन अंडरस्टैंड, नो बडी कैन हेल्प, ओनली यू कैन हेल्प योरसेल्फ. ऑलराइट.